घर वाला बच्चों के लिए आसमान जगह
पहला प्रसाद ग्रहण करने वाले बेटे बेटियों के लिए मिस्सा का सामूहिक सामान्य मतलब आज हमारे 148 बेटे बेटियां अपने जीवन में प्रथम बार प्रभु येसु क्रिस्त के परम पावन शरीर को परम प्रसाद के रूप में आध्यात्मिक भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले हैं। इस अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देने, इनका ख्रिस्तीय विश्वास एवं जीवन ईश्वर में अटल बने रहने एवं सभी बच्चे बच्चों पर ईश्वर की आशीष तथा कृपा बने रहने के लिए ये सामूहिक पवित्र मिसा बलिदान का मतलब बच्चों के माता पिता, अभिभावकों, रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों की ओर से अर्पण किया जा रहा है। हम लोग सबके बैठ जाएंगे। स्वर्गीय मार्सेल इक्का, दीपक भूषण एवं स्वर्गीय तरुण कांता इक्का की आत्मा की अनंत शांति एवं परिवार में पुनर्जीवित प्रभु की आशीष एवं कृपा सदा मिलती रहे। पवित्र मिसा सेरोफिना इक्का दक्षिणी डुबा टोली की ओर से स्वर्गीय राहुल उराव की आत्मा के अनंत शांति एवं दुखित परिवार को सांत्वना तथा दिलासा पाने हेतु पवित्र मिसा हेरमन बरवा की ओर से स्वर्गीय सिसिलिया भेंगरा रांची ध्रुवा की आत्मा के अनंत शांति एवं दुखित परिवार को सांत्वना तथा दिलासा मिले पवित्र मिसा दफन क्रिया में भाग लेने वालों की ओर से रोहित एवं रोशनी के 30वें सालगिरह के शुभ अवसर पर ईश्वर इन दोनों को आगे के जन्म में जीवन के लिए आशीष एवं कृपा प्रदान करे पवित्र मिसा माता सुजाता दक्षिणी डुम्बर टोली की ओर से स्वर्गीय अंकित इक्का की आत्मा के अनंत शांति के लिए पवित्र मिसा पिता प्रकाश एवं मां स्वाति तिरकी चित्तर की ओर से स्वर्गीय मंजू शांता मिंच भगवाना की आत्मा के अनंत शांति बेटी जोशी टुप्पो के शैक्षणिक जीवन का विकास हो या वह सुस्वस्थ रहे पवित्र मिसा विजय टुप्पो चरका टोली की ओर से परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं के अनंत शांति जो बीमार है उनकी जल्द चंगाई प्राप्त करने एवं बच्चों की पढ़ाई में ईश्वर की आशीष एवं कृपा मिले पवित्र मिसा अगाथा कुचूर अमृत नगर चिटर की ओर से बीते माह में मिले सभी कृपा दानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद। दामाद मेल्सन मिंस के बीमारी से जल्द चंगाई होने के लिए पवित्र मिसा तिग्गा परिवार जौनपुर की ओर से बेटी आकृति बिलुंग के जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर उनके जीवन में अपनी आशीष और कृपा देता रहे पवित्र मिसा माता पिता की माता पिता कौनबीर की ओर से कौनबीर नवाटोली की ओर से बेटे का रुका हुआ काम सफल हुआ ईश्वर को धन्यवाद। ज्योठे प्रभु की आशीष मिले पवित्र मिसा सलोमी कुजूर जौनपुर की ओर से स्वर्गीय दीपक बड़ा की आत्मा की अनंत शांति एवं दुखित परिवार को सांत्वना तथा दिलासा मिले पवित्र मिसा वेरोनिका भड़ा करण टोली की ओर से परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं के अनंत शांति एवं पुनर्जीवित प्रभु की आशीष एवं कृपा परिवार के सभी सदस्यों को मिले पुष्पा मिंस जौनपुर की ओर से कुंदन मिंस सड़क दुर्घटना में सुरक्षित रहा इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर आगे भी उन्हें एवं उसके परिवार को सुरक्षित एवं सुस्वस्थ रखे एवं ईश्वर उन्हें अपनी आशीष कृपा प्रदान करे। स्वर्गीय सोमरा टूटी सरना टोली की एवं स्वर्गीय बेनेडिक्ट टोपो कुड़ो मोहमटार की आत्मा के अनंत शांति तथा दुखित परिवार को सांत्वना तथा दिलासा मिले जेरोम कुछ शांत शास्त्री नगर की ओर से
और अब मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता को, आज के इस धार्मिक विधि को, क्रिया को शुरुआत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। सभी को एक खड़े हो जाएंगे। अभी पवित्र जल का छिड़काव होगा, इसलिए हम लोग एक गीत गाएंगे। हालेलुया, 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 पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा की साथ। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, माता पिता, भाइयों और बहनों, और आज जो पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं, सभी
बच्चों के साथ आज हम ये युखरिस्तीय बलिदान संपन्न कर रहे हैं। आज जैसे हमारे पल्ली पुरोहित ने बताया कि कुल 48 ये 148 हमारे ये बेटे और बेटियां पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये परम प्रसाद और युखरिस्तीय बलिदान हमारे विश्वास का एक केंद्र बिंदु है और इसी विश्वास से आज भी हम यहां एकत्रित हुए हैं कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं संस्कार के रूप में। और इसी युखरिस्तीय बलिदान में और परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमें तैयारी की जरूरत होती है। हमारे इन बेटे बेटियों ने इतने दिनों से आध्यात्मिक तैयारियां की हैं, अपने विश्वास को उन्होंने जगाया है, अपने मन और दिल को उन्होंने पवित्र किया है। पाप स्वीकार संस्कार द्वारा, प्रार्थना द्वारा और प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए आज वे अपने आप को योग्य बनाए हैं। आइए हम इस पवित्र बलिदान को हम भी योग्य रीति से संपन्न करने के लिए, पवित्र मन और दिल से प्रभु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। अतः आइए आज के इस युखरिस्तीय बलिदान में योग्य रीति से शामिल होने के लिए, सहभागी होने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। इसलिए हमें आध्यात्मिक तैयारी के लिए, अपने किए गलतियों के लिए, पापों के लिए हम पश्चाताप करें ताकि हम यह पवित्र बलिदान योग्य रीति से संपन्न कर सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर अपनी गलतियों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैं वंचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्यवाद बाबायम से, सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Come on.
हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर तेरी दया अनंत है, तू पास का पर्व द्वारा अपनी प्रजा का विश्वास दीप प्रज्वलित करता है, हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर। जो आज हमारे ये बेटे बेटियां प्रथम परम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और यह ज्ञान दे कि हम भली भांति समझें कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किसके आत्मा द्वारा हमारा नव जन्म हुआ है और किसके रक्त से हमारा उद्धार हुआ है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 35। पाठ का मूल वाक्य है, एक हृदय और एक प्राण। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। प्रभु की वाणी। Come on.
दूसरा पाठ संत यौहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1-6। पाठ का मूल विषय है ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर के संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना वही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को प्राप्त कर देती है हमारा विश्वास ही है। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, ना केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। प्रभु की वाणी। धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। आठ दिन बाद यीशु आए। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे।
यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रख दो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। प्रभु का सुसमाचार हो। ख्रीस्त में आदरणीय माता पिता, भाइयों बहनों, और आज पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करने वाले प्यारे बच्चों, आज जब हम यहां एकत्रित हैं, आज पास्का का 8वां दिन भी है, पास्का का दूसरा रविवार। लोग इसे कहते हैं कि ये उजला रविवार है। जब हम वेदी से देखते हैं चारों ओर, विशेषकर सामने, इतने उजले उजले वस्त्र पहने ये हमारे बेटे और बेटियां, और हम सभी भी आज के इस दिन में एकत्रित हुए हैं। ये प्रभु का ही दिन है और प्रभु के उपस्थिति को अनुभव करने का दिन है। मैंने शुरू में ही कहा था कि यूखारिस्तीय जीवन या परम प्रसाद हमारे जीवन का, हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु है। इसलिए आज हमें जानने की जरूरत है कि ये यूखारिस्तीय संस्कार क्या है और ये परम प्रसाद क्या है, हमारे जीवन के लिए इसका क्या महत्व है, क्या जरूरी है और इससे हमें क्या फायदा है। जब आज हम यहां एकत्रित हुए हैं, हमारे ये बेटे बेटियां इतने उत्साहित हैं आज प्रभु को पहली बार अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। इसलिए जब हम यहां एकत्रित हुए हैं तो
सोचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है। और यदि आप अनुभव करते हैं अपने जीवन में, यदि कोई नई चीज हमें प्राप्त होता है, चाहे पहनने के लिए, चाहे खाने पीने के लिए, या कोई नई इलेक्ट्रॉनिक चीज हमें प्राप्त होता है पहली बार, सचमुच हमें खुशी होती है, अच्छा लगता है और संतुष्टि लगता है। ये तो हमारे भौतिक जीवन के लिए जरूरी भी है, लेकिन यदि हम सोचें हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, तो आज का दिन इन बच्चों के लिए सचमुच एक नया जीवन ही है, एक नया उपहार ही है। यदि हम कोई भी अनुष्ठान होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो लोग प्रसाद देते हैं, चाहे कोई भी धर्म के लोग या उलो भी कुछ प्रसाद देते हैं, तो ये प्रसाद तो साधारण मामूली चीज है। चाहे कोई भी चीज, खाने पीने के चीज प्रसाद के रूप में आदमी लोग वितरण करते हैं, चाहे हम भी ग्रहण करते हैं, कोई पूजा पाठ होता है, तो ये साधारण प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारे ख्रिस्तीय विश्वास के आधार पर ये परम प्रसाद हम सबों के लिए ये बहुत बड़ा ईश्वर का ही वरदान है। इसे कहा भी जाता है परम प्रसाद को, दिस इज द हाइएस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, यह ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार है। इसलिए जब जब हम यूखारिस्तीय संस्कार में सहभागी होते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो ये उपहार जो ईश्वर की ओर से सर्वोत्तम उपहार है, हमें प्राप्त होता है। और ये उपहार यीशु ने स्वयं हमें दिया है। ये यूखारिस्तीय संस्कार किसने स्थापित किया? स्वयं प्रभु यीशु ने। अंतिम ब्यारी के समय यीशु ने अपने चेलों को एकत्रित किया और अपने चेलों के बीच में सर्वप्रथम उन्होंने उनके पैर धोए। क्यों पैर धोए? उन्हें शुद्ध और पवित्र करने के लिए। वे जानते थे कि अपने शिष्यों को भी पवित्र होना जरूरी है। कोई भी पवित्र चीज को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को पवित्र होना जरूरी है। इसलिए अपना ही जीवन देने के लिए यीशु ने ये कार्य संपन्न किया और अपने चेलों के बीच उन्होंने रोटी ली। अंतिम ब्यारी के समय जान रहे थे कि आज के बाद मेरा दुख भोग शुरू हो जाएगा, लोग उसे कोड़े लगाएंगे, वे क्रूस काट के लिए मजबूर करेंगे, उन्हें कलवारी पहाड़ में जाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा और क्रूस में ठोका जाना पड़ेगा। यीशु ख्रिस्त को ये मालूम था, इसलिए उन्होंने एक नया व्यवस्था, नया रिश्ता जोड़ने के लिए उन्होंने स्वयं को ही देने के लिए एक तरीका अपनाया। रोटी को हाथों में लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और रोटी तोड़ तोड़ कर उन्होंने अपने शिष्यों को देते हुए कहा कि तुम इसे खाओ। उसी तरह दाखरस को भी उन्होंने यही कहा, ये मेरा नूतन विधान का रक्त है, ये मेरा रक्त है, इसे ग्रहण करो। और इसलिए उन्होंने कहा, तुम इसे लो और पियो,
ये मेरे रक्त का कटोरा है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में, मेरी यादगारी में ये किया करो। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब कभी हम यूखारिस्तीय मिस्सा पूजा बलिदान में हम आते हैं तो सचमुच हम यही सोच कर आते हैं कि हमारा प्रभु से मिलन होगा, हम उनके साथ रहेंगे और वो हमारे साथ रहेंगे। संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्याएं 54-56 में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यीशु ख्रीस्त ने एक ऐसा विधान शुरू किया जिसके कारण उन्होंने हम सबों के लिए एक ऐसा गारंटी दिया है कि जब हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमें वे पुनर्जीवित करेंगे। इसलिए परम प्रसाद एक आधार है हमारे विश्वास का और हम इसे जीवन भर के लिए हम ग्रहण करते हैं। पवित्र परम प्रसाद ये साधारण सी चीज नहीं है, इसमें हम प्रभु यीशु को स्वयं अपने साथ ग्रहण करते हैं। इसलिए इसे ग्रहण करने के लिए हमें तैयारी की जरूरत होती है। जब जब हम परम प्रसाद ग्रहण करने आते हैं तो हमें तैयारी करना जरूरी है। और कौन लोग इसे ग्रहण करते हैं? जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, जिन्होंने पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण किया है, और वही लोग जिन्होंने तैयारी की है। आज हमारे ये बेटे और बेटियां इन्होंने भी तैयारी की है और इसी तैयारी के साथ आज वे यहां पर आए हुए हैं। इनके लिए केवल नहीं लेकिन हमें भी, जब जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं हमें तैयारी की जरूरत होती है। पवित्र वस्तु ग्रहण करने के लिए हमें भी पवित्र होने की जरूरत है। इसलिए यीशु ख्रीस्त ने कहा था मोतियों को सुअरों के सामने फेंकना उचित नहीं है, वो क्या जाने कि ये मोती क्या है। जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं तो हमें भी शुद्ध और पवित्र होने की जरूरत है, इसीलिए हमें भी उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। जब यीशु ख्रीस्त 12 चेलों को एक साथ अंतिम ब्यारी में जमा किए थे उस समय यूदस भी था। जब यीशु ख्रीस्त ने इन चेलों को दिया, 11 चेले ग्रहण किए और पवित्र आत्मा उनके जीवन में प्रवेश किया। लेकिन जब यूदस को यीशु ने रोटी का टुकड़ा देकर कहा लो यह मेरा शरीर है, उन्होंने ग्रहण किया। लेकिन क्या हुआ? धर्म ग्रंथ कहता है, पवित्र वचन कहता है कि यूदस के दिल में शैतान घुस गया। उन्होंने भी प्रभु को ग्रहण किया था लेकिन उनके जीवन में शैतान घुस गया, यह धर्म ग्रंथ कहता है। और उसी समय से वह यीशु को विश्वासघात करने के लिए चल पड़ता है। सबों ने यीशु को ग्रहण किया, रोटी के रूप में, दाखरस के रूप में यीशु के शरीर और लोह को ग्रहण किया, लेकिन यूदस के दिल में फलदाई नहीं हुआ। पवित्र आत्मा
उनके दिल में घुसने के बदले शैतान उनके दिल में घुस गया। इसलिए हमें भी जरूरत है, जब हम ब्रह्म प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमें भी आध्यात्मिक तैयारी की जरूरत है। ये युधस आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं था। अपने मन में वे बुरे विचार उत्पन्न किए थे और प्रभु के योग्य नहीं था, इसीलिए शैतान उसके दिल में घुस गया। इसलिए हमें भी जरूरत है, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमें भी अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है। इसलिए जब हम ग्रहण करने के पहले यही कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम क्यों ये प्रार्थना करते हैं? एक सतपति ने कहा था कि प्रभु, आप इतना कष्ट मत दीजिए कि आप मेरे घर में आइएगा, लेकिन एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर भला चंगा हो जाएगा। हम यीशु को ग्रहण करने के पहले यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, इसलिए एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं कि यीशु ख्रीस्त को हमारे दिल में हम जगह देते हैं, पछतावा करते हुए, हृदय साफ करते हुए, मन साफ करते हुए। इसलिए हम सोचें कि हमारे जीवन के लिए प्रभु भोज या परम प्रसाद बहुत जरूरी है। इससे हमें क्या मिलता है, क्या फायदा होता है? यदि हमारे लिए बेफायदे का है तो हम क्यों ग्रहण करें? यदि फायदा है तो उसको हमको जानने की जरूरत है कि प्रभु को ग्रहण करने से, परम प्रसाद ग्रहण करने से हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा है। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम प्रभु को परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमें आध्यात्मिक रूप से पोषण मिलता है, हम पोषित होते हैं, यीशु हमारे साथ रहते हैं और आध्यात्मिक रूप से हमें बल मिलता है। और यदि सोचे तो प्रभु परम प्रसाद के रूप में हमारे साथ रहते हैं और हम प्रभु के साथ रहते हैं, हमारा एक अच्छा और गहरा रिश्ता बनता है। जैसे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में कहता है, प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर आकर खटखटाता हूं और यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां प्रवेश करूंगा और वह मेरे साथ और हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। इसका मतलब क्या है? यीशु भी चाहते हैं कि मैं भी अपना मन और दिल खुला करूं, खोल दूं, ताकि यीशु हमारे साथ आए, हमारे साथ रहें। और यही परम प्रसाद के द्वारा हमें आत्मिक शक्ति मिलती है, साथ साथ में शारीरिक शक्ति और चंगाई भी प्राप्त होता है परम प्रसाद के द्वारा। इसलिए इसके द्वारा हम परम प्रसाद के द्वारा एकता में हम बांधते हैं। हम विभिन्न गांव से, विभिन्न टोलों से, दूर दराज से हम यहां आए हुए हैं, हमारा मन दिल सोच एक जैसा तो नहीं है, लेकिन यही एक यूखरिस्तीय बलिदान यीशु का परम प्रसाद हमें एक साथ मिलाता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि उस समय विश्वासियों का हृदय एक मन एक प्राण था, क्योंकि उनका विश्वास प्रभु पर गहरा था, इसलिए वे एक मन एक हृदय थे। यही यूखरिस्तीय संस्कार, परम प्रसाद संस्कार हमें एकता में बांधता है, हमें एक बना देता है।
इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं 7 संस्कार है, लेकिन 7ों संस्कार का केंद्र बिंदु यूखरिस्तीय संस्कार है, परम प्रसाद है, जो हमें एक साथ मिलाता है। 7ों संस्कार का ये केंद्र बिंदु है। यीशु ने कहा, मेरी स्मृति में तुम यह किया करो। इसलिए बारंबार हम पवित्र मिस्सा, पूजा बलिदान में, यूखरिस्तीय बलिदान में हम सहभागी होते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए अन्य संस्कार ये भी कृपा का स्रोत है, ईश्वर को अनुभव करने का स्रोत है, जैसे बपतिस्मा संस्कार और पाप स्वीकार या और अन्य अन्य जो भी संस्कार है, उससे हम प्रभु के जीवन को अनुभव करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हम पवित्र यूखरिस्तीय संस्कार द्वारा जब प्रभु को हम ग्रहण करते हैं। आइए तब आज हम सोचे, विचार करें कि ये हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु है, इसे हम बारंबार योग्य रीति से ग्रहण करने की कोशिश करें। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना है, जब 8 दिन पूरा हो जाता है, उसके पहले भी यीशु ख्रिस्त कई बार दर्शन दिए मरियम मगदलीना को और अन्य लोगों को। यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को, एमाउस के चेलों को, उन्होंने कई बार दर्शन दिया, और बहुत बार कहा जाता है रोटी तोड़ते समय उन्होंने उसे पहचान लिया, क्योंकि यीशु रोटी तोड़ करके ही अपने चेलों को दिए थे, अपना जीवन दिए थे। और 8 दिन बाद ये जब एकत्रित हुए थे, उसके पहले प्रभु दर्शन दिए थे, लेकिन संत थॉमस, ये थॉमस नहीं था, जब उन्होंने कहा कि हमने प्रभु को देखा है और हमें दर्शन दिए हैं, और उन्होंने ये कहा तुम्हें शांति मिले, और ये सब थॉमस के मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए वह कहता है हिम्मत के साथ, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान नहीं देखूंगा, उनके बगल में अपना हाथ नहीं डाल दूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, ये पक्का है। और जब यीशु ख्रिस्त ये थॉमस को भी जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, हर एक के मन दिल को यीशु को पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है, तुरंत परख लेते हैं। और जब एक साथ पुनः वे एकत्रित हो जाते हैं, वहां यीशु बिना दरवाजे के खिड़की के अंदर उनके पास आ जाते हैं पुनर्जीवित प्रभु, और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। बिना पूछे यीशु ख्रिस्त क्या कहते हैं, थॉमस मेरे पास आओ, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, ये मेरे बगल है, तुम अपना हाथ डालो, आपसे अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। इतना ही शब्द वे कहते हैं। और ये संत थॉमस, ये थॉमस जो विश्वास नहीं करता था, बिना देखे हम नहीं विश्वास करेंगे, उस समय कहता है, इतना उसका दिल मन द्रवित हो जाता है और उसके अंतरात्मा की आवाज आती है, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसलिए वो क्या कहते हैं, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, तुमने देख लिया, लेकिन धन्य है वे। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम धन्य हैं तो यीशु ख्रिस्त हमें धन्य मानते हैं, जब हम बिना देखे, बिना कबूर जगह गए, बिना यीशु के नाजरेत और यीशु ख्रिस्त जहां जी उठे, जहां जीवन बिताए, बिना गए, बिना देखे हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास कितना गहरा है, हम कितना धन्य हैं। यीशु ख्रिस्त आज भी हमें धन्य कहते हैं। आइए तो हम इसी विश्वास से जब जब हम ग्रहण करते हैं यीशु ख्रिस्त को, सोचें कि यीशु ख्रिस्त ऐसे हमारे साथ इतना गहरा रिश्ता कर सकता है, दुनिया का कोई चीज,
कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ इतना गहरा रिश्ता नहीं जोड़ सकता है। दुनिया का चीज छूट देगा, दुनिया का नाता रिश्ता एक दिन छूट जाता है, लेकिन प्रभु का प्रेम, प्रभु का जीवन हमसे नहीं छूट सकता है। ना पाप, ना नगण्य, ना लड़ाई, ना झगड़े, ये प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है। आइए तब आज हम इन्हीं मनोभाव से याद करें कि प्रभु हमारे साथ है। चुकी लोंग ने अंतिम क्षण में यही कहा है अपने चेलों को भी, उपस्थित लोगों को भी, याद रखो कि मैं सदा सदा तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंत तक, हमारे जीवन के अंत तक भी प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे साथ रहेंगे। इसलिए ये हम विश्वास करते हैं, करेंगे, और इसी विश्वास में हम जीवन व्यतीत करेंगे। आज के इस दिन में हम प्रभु को ग्रहण करने के लिए आए हैं, आइए हम विश्वास के साथ आज के इस धर्म विधि में शामिल होंगे। इनके लिए तो पहली बार परम प्रसाद है, हम लोगों के लिए तो कितने बार हो चुके होंगे, फिर भी हम विश्वास के साथ पवित्र शुद्ध मन से प्रभु को ग्रहण करेंगे, क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अरे प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपा पूर्वक स्वीकार किया, अब हमारी दीनता पर भी ध्यान दें। आइए हम आज के निवेदन के लिए हम प्रार्थना करें।
हम संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू उन्हें अपनी आत्मा से आलोकित कर, साथ ही अपने ईश्वरीय सद्गुणों से विभूषित कर, जिससे वे सभी दृष्टिकोण से सुस्वस्थ एवं सुरक्षित रहकर अपनी रेवर का संचालन भली भांति कर सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। करने वाले सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज पहली बार पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त को ग्रहण करने वाले हैं। प्रभु तू हमारे जीवन में आकर हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बल, प्रज्ञा एवं ज्ञान प्रदान कर, ताकि हम सभी दृष्टिकोण से अपने जीवन में संतुलित रहकर आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। संबंधियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सभी प्रकार की बीमारियों से सुस्वस्थ और बुराइयों से सुरक्षित रखे, उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करे, ताकि वे अपने बुलाहटियों जीवन में अधिक एवं ईमानदार रहकर अपने प्रेरिताय कार्यों को भली भांति करते हुए ईश्वरीय प्रेम को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की विशेष चिंता करते हैं, पुनर्जीवित प्रभु तू उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर और नित्य नए प्रेरणाओं से भरता रह, ताकि वे हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारे परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर सदा अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखें, उन्हें अपनी आशीष एवं कृपा बरसाता रहे, साथ ही उनके कार्यों में विशेष आशीष मिलती रहे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। आज हम बीमार से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उन्हें अपनी चंगाई हाथों से स्पर्श कर, उनके दवाइयों पर आशीष दे, ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वस्थ हो सके और तेरी महिमा गा सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। लोकसभा चुनाव की अच्छी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं कि यह चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, साथ ही प्रभु तू सभी लोगों पर अपना विवेक एवं तर्कशील शक्ति प्रदान कर, ताकि हम आम जनता जाति धर्म तथा संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर एक सुयोग्य और कर्म
शासक का चयन करने में अपना पूर्ण योगदान दे सके, जिससे देश में प्रेम, शांति और एकता का साम्राज्य स्थापित हो सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। इन निवेदनों के साथ साथ हम अपने निजी मतलबों के लिए भी याद करें थोड़ी देर मौन होकर। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
एक बच्ची अपने माता पिताओं से बिछुड़ गई है, यहाँ पर स्टेज के पास बगल में बैठी हुई है, आकर के ले जाएंगे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि लीला कपड़ा पहने हुए हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हमारी तथा अपने समस्त पौत्र कांसी कलिसा के लिए स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये दान कृपा पूर्वक स्वीकार कर, तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा नव स्फूर्ति पाकर हम अनंत सुख प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अति गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब कृष्ण हमारे पास काका मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है यह वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते। वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं, इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्ग की शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। युर्वाये ससगे यो हे मा, ससगे ओ हे मा, से नंज का कोहाना ला, युर्वाये ससगे ओ हे मा, हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लिनस पिंगलिका और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधेले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से डाल चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रीतों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान का ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सम्मान युगानुयुग तेरा रही है। आमीन। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हम तो से प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार की बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आमीन। आपकी आत्मा के साथ। इस पर प्रेम भाव रखिए। कृष्ण की शांति। I'm going to go to the hospital.
देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रीस्त, जिन्होंने स्वयं कहा है मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, वही प्रभु आज हमारे दिल में आते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु मैं सियो के नहीं कि आप मेरे यहाँ आई कि मेरी आत्मा चंगी हो जाए। Thank you.
Thank you.
सबको जय यीशु। सोचनाएं सुन लेंगे। आज पास्का का दूसरा रविवार है। इस रविवार को उजला रविवार तथा दिव्या करुणा का रविवार भी कहा जाता है। आज हमारे गुमलापल्ली में पहला परम प्रसाद दिवस है। आज हमारे 148 बेटे बेटियां जीवन में पहली बार पवित्र परम प्रसाद आध्यात्मिक आहार के रूप में ग्रहण कर रहे हैं।
आज आने वाला शनिवार महागिरजे की सफाई पारी दीप नगर को दिया जाता है। आने वाला रविवार पहली मिसा में गी संचालन की पारी जौनपुर को दिया जाता है। जौनपुर के माता पिता भाई बहनों को महागिरजे की सफाई करने हेतु धन्यवाद। प्रथम परम प्रसाद दिवस के शुभ अवसर पर आज के समारोह ही क्रिस्टिया के मुख्य अनुष्ठाता फादर जेफरी नुस्तिर्की को, जो कि हमारे गुमला धर्म प्रांत के भीजी हैं, उनके ओजपूर्ण प्रेरणादायक उत्साहवर्धक और मधुर प्रवचन के लिए पल्ली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस समारोही क्रिस्टिया को भक्तिमय प्रार्थनामय बनाने में पल्ली युवा संघ का बड़ा ही योगदान रहा। अपनी व्यस्तता के बावजूद आज के समारोही मिस्सा को बनाने के लिए गीताभ्यास के लिए इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, क्रिस्टिया को भक्तिमय बनाया। पल्ली की ओर से हमारे युवा बेटे बेटियों को तहे दिल से धन्यवाद। संपात्रिक विद्यालय संजीव स्कूल नोटरडेम डॉन बॉस्को ओर्सलैंड गुमला एवं यहाँ केंद्र में इन बच्चों को आज के दिन के लिए तैयार करने वाले अनुप्राण दाताओं को एवं फादर जीतन खजूर हमारे सहायक पल्ली पुरोहित की अगुवाई में आरंभ से लेकर अभी तक तैयारी के अंतिम चरण तक सहयोग रहा। फादर सिप्रियन इक्का, प्राचार्य सिमोन, संतन्ना की बहने रेशमा कुचोर एवं सोनालिका तिग्गा को, जिन्होंने हमारे इन छोटे बच्चों को आज के दिन के लिए तैयार किया, इसके लिए कड़ी मेहनत की। मैं पल्ली की ओर से हमारे इन सहयोगियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिन बच्चों ने आज पहला परम प्रसाद ग्रहण किया है उनके लिए 20 अप्रैल दिन शनिवार को दुहरावा क्लास एवं पाप स्वीकार होगा, समय 3 बजे अपराह्न। हम यह कभी ना सोचे कि इन्होंने सब कुछ जान लिया सीख लिया है, या तो मात्र शुरुआत है। अतः आप माता पिताओं अभिभावकों से आग्रह है कि आप अपने बच्चों को इस दुहरावा क्लास के लिए जरूर भेजेंगे। सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 8 अप्रैल 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक पास्टरल सेंटर गुमला में 6 दिवसीय शादी धर्म स्कूल चलाया जाएगा। विवाहित जोड़ों के लिए सेमिनार आपको सूचित किया जाता है कि 27 अप्रैल 2024 विवाहितों के लिए 2 दिवसीय सेमिनार रखा गया है। जिनका पति या पत्नी परदेश में है वे भी शामिल हो सकते हैं। क्लास का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, स्थान हॉपमन हॉल गुमला। नामांकन शुल्क ₹300। अधिक जानकारी के लिए फादर मुनसन बिलुंग से कॉन्टैक्ट रखें। आज 7 अप्रैल करुणा का पर्व दिवस है। आइए आज हम दया और करुणा के प्रभु से प्रार्थना करें कि हमेशा अपनी दया और करुणा के घेरे में हमें सुरक्षित रखे। अभी मिस्सा के तुरंत बाद महागिरजे में मिस्सा होगी, इसलिए बच्चे फोटोग्राफी के लिए महागिरजा घर नहीं जाएंगे।
मार्च महीने का निष्कलंक का आ गया है, आप पल्ली कार्यालय के पास से अपने प्रति ले लेंगे। आज पहली बार पवित्र परम प्रसाद जीवन की रोटी आत्मा का भोजन करने वाले हमारे इन 148 बेटे बेटियों को हम गुमलापल्ली के सभी माता पिता विश्वासी गणों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम एक बार जोरदार ताली लगा देंगे। शादी का तीसरा भुगार उज्जवल स्वरूप लकड़ा सुशील और पुष्पा का पुत्र बड़ा घगरा खुशबू टोली सुजाता मीन सुशील और कम्युनियन अगरस्तव अपनी उंगली यहां रखो और कीलों की जगह को परखो। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हालेलुया। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास का संस्कार ग्रहण किया है, इसका प्रभाव हमारे मन तथा हृदय में सदा बनी रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। पास्का काल में विशेष आशीर्वाद की प्रार्थना होगी। सभी पुरोहित अपना दाहिना हाथ आपके सम्मुख हाथ उठाएंगे आशीर्वाद आशीष देने के लिए, और सभी कोई हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक पुत्र बना लिया है, वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। मुक्तिदाता ख्रीस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है, वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आप लोगों को बपतिस्मा में विश्वास द्वारा ख्रीस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आले प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। सभी ना निवास की बहनों से आग्रह है कि हमारी फिलिस्ता बहन को यहाँ की चीजों को ले जाने के लिए मदद करेंगे। धन्यवाद।